तो टीम इंडिया ने बांग्लादेश को तो हरा दिया है, लेकिन विराट के सेल्फिश पारी से हो गया है टीम इंडिया को नुकसान 5 टेबल में। तो क्या है रियलिटी, क्या विराट कोहली के वजह से टीम इंडिया को 5 टेबल में नुकसान हुआ है या फिर कुछ और वजह है, इसी के बारे में पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। तो बात करें विराट कोहली के पारी, तो कमाल के पारी रहा है, 103 रन बनाए जो कि बेहद ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी था। और बता दें कि विराट कोहली के ही दम पर 40.3 ओवर में यह मुकाबला जीत पाया। बता दें कि टीम इंडिया यह मुकाबला 7 विकेट से जीता है, यानी कि अच्छा खासा मार्जिन से टीम इंडिया ने बांग्लादेश को हराया है। लेकिन इसके बावजूद भी टीम इंडिया 5 टेबल में नंबर 2 पर है, नंबर 1 पर नहीं, नंबर 1 पर है न्यूजीलैंड, जिसका सबसे बड़ा वजह है उनका नेट रन रेट। बता दें कि न्यूजीलैंड ने बेहद ही बड़ी अंतरों से हराया था अफगानिस्तान टीम को, बता दें कि लगभग 149 रनों से अफगानिस्तान को हराए थे। इसके अलावा इंग्लैंड को भी बेहद ही भारी अंतर से हराए थे। जो भी मुकाबला जीता है न्यूजीलैंड बेहद ही बड़ी मार्जिन से जीता है। बता दें कि न्यूजीलैंड अभी 4 मुकाबला खेला है और 4 मुकाबला जीता है और पॉइंट से 8, वहीं नेट रन रेट की बात करें तो वह है +1.923। टीम इंडिया नंबर 2 पर है जो कि 4 मुकाबला खेला है, यह भी 4 मुकाबला जीता है, लेकिन इसका मार्जिन थोड़ा बहुत कम है न्यूजीलैंड के मुकाबले। बता दें कि टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को अच्छा खासा अंतर से हराया। इसके अलावा बता दें इसके बाद जो मुकाबला अफगानिस्तान से हुआ था वह भी ठीक ठाक था, लगभग 30 ओवर के आसपास मैच फिनिश हो गया था। इसके अलावा जो मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने जीता था वह भी ठीक था, वह भी 30-35 ओवर के आसपास जीता था। और यह जो मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेला है वह भी लगभग 41 ओवर में जीत गया है। लेकिन जो रन से जीता जाता है उसमें ज़्यादा नेट रन रेट का फायदा होता है और यही काम किया है न्यूजीलैंड ने। वहीं बता दें कि टीम इंडिया ज़्यादातर मुकाबला विकेट के दम पर जीती है, इसीलिए टीम इंडिया को उतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है। वैसे भी टीम इंडिया बेहतर स्थिति में, ऐसा नहीं है कि टीम इंडिया का नेट रन रेट खराब है, टीम इंडिया का भी नेट रन रेट बेहतरीन है। और अगला मुकाबला बड़ी जीत दर्ज करती है तो टीम इंडिया नंबर 1 पर भी आ सकती है। वैसे टीम इंडिया का अगला मुकाबला न्यूजीलैंड से ही है, ऐसे में उस दिन क्लियर हो जाएगा कौन है वर्ल्ड कप 2023 का नंबर 1 टीम, टीम इंडिया या फिर न्यूजीलैंड। कमाल का मुकाबला होने वाला है। तो आपको क्या लगता है टीम इंडिया और न्यूजीलैंड जो भिड़ेगी उसमें कौन जीतेगा और कौन बनेगा नंबर 1, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।